हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हो गया हूं रासायनिक विस्थापन का एक कॉन्सेप्ट लेकर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है और अभी जो नेक्स्ट समय में आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से है आने वाला है। तो दोस्तों, ये मोस्ट भी है, इसको आप लोग पढ़ें और समझें ज़रूर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप मेरे साथ दो मिनट जुड़े रहेंगे तो आप बिना पढ़े ही आप इसको करके आएंगे। इसलिए दोस्तों, आइए इसको समझ लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, एक और गुजारिश करता हूँ, यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए इसको देख लेते हैं। क्या है रासायनिक विस्थापन? इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों केमिकल शिफ्ट। तो इसको देखते हैं है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं एक फिगर के साथ आपको समझाऊंगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही चित्र नहीं है दोस्तों, एक पीएमआर सिग्नल का चित्र है। किसका? पीएमआर सिग्नल का चित्र। ये दोस्तों टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है, इसको ज़रूर समझें। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो ये सिग्नल दिख रहे हैं, एक ए सिग्नल है, एक ए सिग्नल है। मैं इसको अन्य कलर से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आप ये इस सिग्नल को देख पा रहे हैं और इस सिग्नल को देख पा रहे हैं। तो जो ये सिग्नल है दोस्तों, ये पीएमआर सिग्नल है। तो दोस्तों, इसका जो मतलब परीक्षण और विपरीक्षण करते हैं किसका? सिग्नलों का। तो जो ये वाला परीक्षण है, जो परीक्षण है, ये हमको कहाँ पे अप सिग्नल प्राप्त होता है इससे, हमें किस कौन सा अप मतलब ऊपर हमको इसका सिग्नल प्राप्त होगा, और जब हम विपरीक्षण करेंगे तो हमको डाउन में इसका सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि जब हम किसी पीएमआर सिग्नल में कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और विपरीक्षण करते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के साथ परीक्षण और विपरीक्षण करते हैं तो क्या होता है कि जो ये पीएमआर सिग्नल है, इस ये अपने स्थान चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थान चेंज कर देते हैं। तो शॉर्ट रूप में यदि दोस्तों कहूँ मैं कि जो इलेक्ट्रॉन के परीक्षण एवं विपरीक्षण के कारण जो पीएमआर सिग्नल अपना स्थान बदलते हैं, इसी स्थान बदलने की क्रिया को ही हम रासायनिक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक विस्थापन। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुने परिभाषा, क्या मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के परीक्षण एवं विपरीक्षण के कारण पीएमआर सिग्नल में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रासायनिक विस्थापन कहते हैं या इंग्लिश में केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये पीएमआर सिग्नल हैं, इनके स्थान परिवर्तन होते हैं कब? जब हम परीक्षण और विपरीक्षण करते हैं, और इसी स्थान परिवर्तन को ही हम रासायनिक विस्थापन कहते हैं। दोस्तों, तो आपको समझ में तो आ गया होगा, ये तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से यदि आपने इसको सुना है तो आपको समझ में ज़रूर आया है। दोस्तों, वो समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको अपना रिस्पॉन्स ज़रूर लिखना है। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।